नए साल के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे बहुत खुशी मिलती है सबको खाना खिलाने में और कंबल वगैरह देने में और जैकेट और टी शर्ट वगैरह बच्चों को बांटने में। तो मैं दिल्ली के हर कोने पे जाने की कोशिश करता हूँ, पहुँचने की कोशिश करके खाना देना, जैकेट्स देना, उनकी खुशी में शामिल होना। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ बच्चे मतलब कि जैकेट पहने हुए और गर्म हैं और मतलब कि रात को उनको ठंड नहीं लग रही हो, तो उनके लिए सेवा करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो बहुत सालों से सेवा कर रहा हूँ, पर हाँ आपने सही फरमाया कि मीडिया बहुत कम ये दिखाई कुछ अच्छी चीज़ें दिखाती है, नेगेटिविटी सेल्स गलत चीज़ ज़्यादा चलती है, तो बस वही चलती है। पर मुझे मीडिया के माध्यम से ज़रूरी नहीं है कि सबको दिखाना जो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपने दिल से, मन लगन से कर रहा हूँ, सबकी सेवा कर रहा हूँ। जो भी मेरे से होता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। अक्सर विकलांग और लोगों के लिए और अंधे बच्चों के लिए मैं उनके साथ समय ज़्यादा बिताता हूँ। यहाँ देख रहे हैं हर हफ्ते हर 10 दिन में हम लोग खाना खिलाते हैं और देखेंगे लाइनें के लाइन लगेंगी और बहुत खुश होते हैं लोग। सबको जितना भी खिला सकते हैं खाना खिलाते हैं, फिर कंबल बांटते हैं और जैकेट वगैरह मैं काफ़ी हर चौराहे पे जाने की कोशिश करता हूं दिल्ली के और एनसीआर में, और जो भी मेरे से होता है मैं करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ठंड का मौसम है। और हमने तो मतलब जब कोविड समय था उस समय भी सब जो अपने गांव वापस जाने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम भी हमने उन लोगों को बहुत हेल्प की। तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है और लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि जब लोग देखते हैं कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो इन्फ्लुएंस हो जाएं और वो भी अपने एरियाज़ में लोगों को मदद करें, हेल्प करें, बच्चों को, विकलांग को, अंधे लोगों को। और मेरा तो यही मकसद है कि अगर मीडिया उठाती है तो लोग और इन्फ्लुएंस होंगे कि मतलब वो भी निकल के सेवा करेंगे सब लोगों की। यानी कि आप एक चेन बिल्ड करना चाहते हैं हेल्पर्स का, जो जिन लोगों को मदद की ज़रूरत हो उनको मदद पहुंचा सके। चेन या मतलब वो खुद लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, और यहाँ के आप देख सकते हैं इतने अच्छे मेरे साथ लोग हैं जो हेल्प करते हैं मुझे और हर जगह तक पहुँचते हैं। हमारे पास वैन्स भी हैं, और जब किसान लोग भी मतलब 1.5 साल से इस गवर्नमेंट ने उनकी सुनवाई नहीं थी, तो उस टाइम भी हमने हर जगह जाके किसानों के लिए भी काफ़ी खाना और पानी वगैरह हर चीज़ दिया है। तो हम हर समय मदद करते हैं, कोई भी अगर कोई भी इशू होता है कंट्री में हम ज़रूर बाहर निकलते हैं। मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ के सेवा करने की कोशिश करते हैं। जहाँ मैं नहीं पहुँच पाता हूँ वो लोग ज़रूर मेरा मैसेज देते हैं, और जो भी हमारे से हो पाता है वो हम देने की कोशिश करते हैं।